डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेंगे। पिछले लेक्चर में हम एल्जेब्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। तो बहुत इजी है, फॉर्मूले हैं, मुझे फॉर्मूले ही लिखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको जो 10th तक बेसिक आइडिया है उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट रहेगा इसलिए आप इसको मैनेज करें, मुझे खाली फॉर्मूले लिखवाने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको पता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब के बारे में आपको पता है। एक साइन थीटा होता है, दूसरा कॉस थीटा होता है, तीसरा होता है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और एक होता है बच्चों कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। एक्चुअली ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं बच्चों, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए काम में आते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के सामने वाली जो साइड है उसको हाइपर कहते हैं, हाइपोटेनियस, ये एच। मैं इसको एंगल थीटा नाम दे देता हूँ। तो जिसको भी आप थीटा कहोगे उस थीटा के सामने वाली साइड जो होगी उसको कहेंगे हम परपेंडिकुलर, ये पी है परपेंडिकुलर। और लास्ट जो नीचे जो साइड बची होगी वो बेस होगी, बी है ना। आप चलो पूरा नाम लिख सकते हो, ये बेस है हमारा, ठीक है। तो ये 3 साइड्स होती हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों देखो, आपको एक बात याद रखनी है, ऐसे ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं मैंने आप लोगों को। एक तो मैंने आपको बताया साइन थीटा, एक बताया है मैंने कॉस थीटा, एक बताया मैंने टेन थीटा। टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, फिर इसका जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अब ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके सबके अपने यूनिक फॉर्मूले हैं। तो उन फॉर्मूले को याद रखने के लिए एक ट्रिक है। अब देखो इस ट्रिक को, इस एब्रिवेशन को अपन याद कैसे करेंगे? अब इसको ऐसे बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। या आपको 10th क्लास में बताया होगा टीचर्स ने, आपको ये सब कुछ पता है। या यूं भी कह सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। तो आप जो भी ट्रिक जैसे याद रहे अपन को, जो कन्वीनियंट लगे उस तरीके से याद करना। ये पी जो है वो परपेंडिकुलर को इंडिकेट कर रहा है, बी जो है वो बेस को इंडिकेट कर रहा है, एच जो है वो हाइपोटेनियस को इंडिकेट कर रहा है। तो बच्चों अब पहले साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच याद रखना है हमें। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्लियर। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला जस्ट इसका उल्टा होगा, ये पहले आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बच्चों आपको नोट डाउन कर लेना। अपन यहाँ एक बात नोटिस कर रहे हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका उल्टा है, देखो उल्टा हो गया, यानी साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक का। ऐसे कैसे? कॉस का जस्ट उल्टा जो होगा वो सेक होगा। देख लो इसका उल्टा हो रहा है, एच ऊपर आ गया और बी नीचे चला गया, और टेन का उल्टा होता है कॉस, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से बहुत रिलेटेड होते हैं, इनवर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। आप ये बना दो एक बार, इसको मैं फिर रफ कर रहा हूँ। अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में रिलेशन पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक था कॉस, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया। कई बच्चे देखो 12th में आ जाते हैं पर उनको ये भी पता नहीं होता है कौन सा परपेंडिकुलर होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा हाइपोटेनियस होता है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला, टेन थीटा। आगे पूरी फिजिक्स में ये चीजें बार बार चलेगी, हम डेरिवेशन करेंगे। तो बच्चों आपको ये अब मैंने एक बार बता दिया कि भाई जिस भी एंगल को आप थीटा ले रहे हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, पीछे जो बचा हुआ होगा वो बेस। अगर मैं थीटा यहाँ ले लेता हूँ, इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, फिर इसका नाम परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेनियस 90 के सामने ही रहेगा और फिर ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं एज पर थीटा, थीटा के हिसाब से ये चेंज हो सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। अब सेकेंड ओपन कुछ फॉर्मूले पढ़ लेंगे। अब बच्चों मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सिंपल से फॉर्मूले है, तो हम कुछ नॉर्मल से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं अपन। सबसे पहला फर्स्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो कोसेक होता है। साइन को अगर जैसे ऊपर भेजते हैं तो कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है,
ऐसे कैसे बच्चों, sec थीटा जो होता है वो 1 अपॉन cos थीटा होता है। अभी मैं फटाफट लिखूंगा, कारण क्या है इसका, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पहले 10th में पढ़ी हुई है, वही रिपीट हो रही है। cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का, 1 अपॉन tan थीटा। ये क्लियर, फोर्थ नंबर, tan थीटा का फार्मूला होता है बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, कहां से आया, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और cos थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो sin में cos का डिवाइड कर दो, sin अपॉन cos करो, तो जब इसमें इसका डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा और क्या रह जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है, आप देख लो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, ये क्या होता है tan थीटा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, tan थीटा के इक्वल। ऐसे आप दूसरे फॉर्मूले भी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे कैसे बच्चों, cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला tan का जस्ट उल्टा होगा, cot तो tan का उल्टा होता है हमने अभी देखा, तो tan का फॉर्मूला ये है, cot का इसका उल्टा हो गया, cot थीटा अपॉन sin थीटा। क्लियर, इसके बाद 6 नंबर फॉर्मूला बच्चों, कुछ आइडेंटिटीज है, वो हमें याद रखना, ठीक है। 6 नंबर आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन और कॉस दोनों के थीटा सेम होते हैं और स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। अब इसको आप प्रूव कर सकते हो बच्चों, साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का भी फॉर्मूला मैंने बताया है बेस अपॉन हाइपोटेनस, या वैल्यू रखना अपने आप ही आपके मन में जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे एक और प्रॉपर्टी है, देखो ये मैं करके बता देता हूँ आपको, ये अगर प्रूव करना है कैसा है, आप नोट बुक करना, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन का स्क्वायर है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा मैंने अभी लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर खुद हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है अपॉन एच स्क्वायर, ये करके 1 हो गया, 1 आ गया। ऐसे अपन कोई भी प्रॉपर्टी इसको है जो प्रूव कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉपर्टी को चाहो तो प्रूव कर सकते हैं, खाली ये वही 6 फॉर्मूले काम में लेने हैं जो मैंने आपको पहले बताया। एक आइडेंटिटी होती है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, याद रखना बस कुछ नहीं, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये अपने आइडेंटिटीज थी। इसके बाद नेक्स्ट 9th, अब मैं है ना आपको लिखा रहा हूँ 2A फॉर्मूला, 2A फॉर्मूला कंटिन्यू चल रहा है, फॉर्मूलों के ऑर्डर अपन वही दे रहे हैं पर फॉर्मूलों की वैरायटी चेंज हो रही है, इन तीनों को अपन आइडेंटिटीज बोलते हैं। 2A फॉर्मूला बच्चों देखो, ये 12th में काम आएगा, फिर स्टूडेंट बार बार मैं कहता हूँ भाई मैंने ये फॉर्मूला यूज किया है 11th में हमने पढ़ा था, वो सोचते हैं कहाँ आया, कहाँ से आया ये, इसलिए आप इनको धीरे धीरे याद करते रहे, मैं ये नहीं करूँ आप एकदम सारे याद कर रहे पर धीरे धीरे इनको याद करो। तो बच्चों एक साइन 2a का फॉर्मूला होता है, टू साइन ए कॉस ए, एक कॉस 2a का फॉर्मूला होता है, कॉस 2a के तीन फॉर्मूले, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये सब ट्रिग्नोमेट्री में काम में आते हैं, और एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ये दो फॉर्मूले हमारे इंटीग्रेशन में यूज आएंगे, ये दोनों फॉर्मूले, इसलिए मैं इनको बाद में बताऊंगा, अब हमें ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम इनको दुश्मन फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। तो आगे मैं बात करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, तो ये दो फॉर्मूले अपने काम आएंगे cos 2a के। नेक्स्ट बच्चों ये वाला पार्ट आप पढ़ लूंगा 10th, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं आपको a प्लस b फॉर्मूले बता रहा हूँ, जनरली ये काम नहीं आएगा आपके, ये दो फॉर्मूले काम आएंगे। अब हम बात करते हैं a प्लस b फॉर्मूला, a प्लस b फॉर्मूले में एक तो होता है साइन a प्लस b का फॉर्मूला, ये बच्चों थोड़े काम के हैं, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी,
बस कॉस ए जब तुम छुट्टी पकड़ लीजिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस, देखो एक बार ए के साथ साइन लग गया, एक बार बी के साथ कॉस लग गया, अब उल्टे हो जाएंगे कॉस ए साइन बी, बस ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। ऐसे कैसे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पूछ रहे आपसे, तो साइन ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होगा, खाली यहां माइनस लगेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी में पहले साइन आएगा फिर कॉस, फिर वापस कॉस आएगा साइन आएगा, ऐसे कैसे कॉस का भी फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का देखो पहले दोनों बार कॉस कॉस आएगा, कॉस ए कॉस बी या प्लस या माइनस आएगा, उल्टा चलता साइन ए साइन बी, और ए होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी में भी ये होगा कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ प्लस आ जाएगा उल्टा चलेगा साइन ए साइन बी। एक टेन का भी फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, फिफ्टीन नंबर फॉर्मूला टेन का, टेन ए प्लस बी। अब जनरली ये काम क्या आपके ये फर्स्ट और ये सेकंड ही काम थे, दो ज्यादा काम आएंगे, बाकी कॉस वाले तो फिर भी आपके काम नहीं आएंगे और ये भी काम नहीं आएगा, फिर भी एक बार दिखा रहा हूँ। टेन ए प्लस बी का होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ये ए प्लस बी फॉर्मूले थे बच्चों, ठीक है। अब इन ए प्लस बी फॉर्मूले के बाद हालांकि सी डी फॉर्मूले भी होते हैं साइन सी प्लस साइन डी के, पर मैं वो लिखवा नहीं रहा हूँ, उनकी अपन को जरूरत भी नहीं है, तो ये अब अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। अब मैं एक खास बात आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको अभी यहाँ दो फॉर्मूले लिखा है साइन टू ए का और एक कॉस टू ए का, तो साइन टू ए को भूल जाओ, कॉस टू ए के मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, तो कॉस टू ए का एक जो सबसे पहला फॉर्मूला था ये था टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, पहले ये ले लेता हूँ कॉस टू ए का ये जो फॉर्मूला था, इससे मैं कहूँ कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, उसको वन को उधर दे दो, वन प्लस कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए, अब बच्चों कॉस स्क्वायर ए कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए तो ये टू अपॉन में चला जाएगा, वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू, यानी जब भी देखो आप जब इंटीग्रेशन करोगे, आगे पढ़ेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कॉस का स्क्वायर होता है, तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसका स्क्वायर हटाने के लिए अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा वन प्लस कॉस टू ए, ये टू ए है स्क्वायर नहीं है, टू ए अपॉन टू, ये कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, इसको अपन दुश्मन फॉर्मूला बनाएंगे। ऐसे कैसे अगेन एक ये वाला कर लेता हूँ, एक कॉस टू ए का ये भी फॉर्मूला था वन माइनस टू साइन स्क्वायर, मैं साइन स्क्वायर को उधर ले देता हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा टू साइन स्क्वायर है, और इसको इधर ले लेते हैं वन माइनस कॉस टू, अब इस टू को नीचे ले दो, साइन स्क्वायर टू ए का क्या फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो गया वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू, ये दुश्मन फॉर्मूला है ये भी, लेकिन ये साइन स्क्वायर के लिए, तो जब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे इसमें और इसमें क्या फर्क है, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी, ये दुश्मन फॉर्मूले है, लिख लेना मेंशन कर लेना साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करने के लिए। तो बच्चों मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बता दिए, अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, तो ये बस इतने से फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये अपने काम आएंगे, ठीक है। तो अब मैं इस पूरी चीज को रफ कर लेता हूँ, अब बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। तो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये हालांकि आपको पता है साइन थीटा कॉस थीटा इन सबके में ये मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ये ऑलरेडी टेबल आपने 10th क्लास में पढ़ी है, सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करेंगे, फिर इसके बाद कॉस थीटा की, अब ये पूरी लाइफ काम आएगी आपके टेबल, इसलिए इस टेबल को भी इग्नोर नहीं करना, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा,
और फाइनली कोसेक थीटा। ठीक है, यहां पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, एक तो जीरो डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, या तो वैल्यू से इधर एंगल है, इधर तो एंगल से, और इधर जो है फंक्शन है, फंक्शन। ठीक है, जीरो डिग्री, फिर इसके बाद अपन वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री की, फिर इसके बाद 45 डिग्री की, फिर इसके बाद 60 डिग्री की, और लास्ट अपन लिखेंगे 90 डिग्री की होगी। क्लियर, जीरो डिग्री को रेडियन में भी जीरो ही बोलते हैं, अगर रेडियन में लिखना चाहो पाई की टर्म में एंगल को, और 30 डिग्री को आप लिखते हो पाई बाय 6, क्या लिखते हो पाई बाय 6 लिखते हो, पाई को आप 180 डिग्री समझो, पाई को 180 डिग्री समझो, 1 पाई जो है बच्चों डिग्री में अगर कहा जाए, वैसे तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, नॉर्मली वैल्यू 3.14 होती है, पर डिग्री में कन्वर्ट करना हो पाई को तो फिर 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो पाई की जगह 180 डिग्री रखोगे और 6 का डिवाइड करो 180 में 30 डिग्री आ जाएगा, तो पाई की टर्म में 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 6, 45 को बोलते हैं पाई बाय 4, 60 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 3, और 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाय 2, पाई की जगह 180 अपॉन 2 का डिवाइड करोगे 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये रेडियन में भी एंगल पता होना चाहिए आपको, ये रेडियन में है और ये डिग्री में। अब जो सबसे पहली वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, फिर अपन दूसरी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तो पहली वैल्यू कैसे याद रखें, देखो बच्चों आप ना जैसे मैंने जीरो लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 1 से लगा करके 4 तक काउंटिंग लिख ली, बच्चों देखो मैं ना आपको एक जैसे आपको ये फर्स्ट वैल्यू हमें याद रखनी पड़ेगी, तो फर्स्ट वैल्यू याद रखनी है हमें ये भरनी है, बाकी अपने आप ही निकल जाएगी, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप क्या करो जीरो से लगाकर 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिख लो, जीरो से लगा करके 1 2 3 4, और इन सब में 4 का डिवाइड करो, 0 में 4 का डिवाइड करोगे 1 ही आएगा, इसमें डिवाइड करोगे 1/4, 2 में 4 का डिवाइड करोगे तो बच्चों 1/2 बन जाएगा, 3 में 4 का डिवाइड करोगे 3/4, और 4 में 4 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, कितना चाहिए तो 1। क्लियर, अब सबका रूट ले लो, सबका रूट ले लो भाई, 0 से 4 तक काउंटिंग लिख लो और सब में 4 का डिवाइड कर लो, अभी जो भी आया इसका रूट लो, 0 का रूट कितना होगा 0, 1/4 का रूट होता है 1/2, 4 का रूट होता है 2, बच्चों 1 का रूट तो 1 और 4 का रूट होता है 2। क्लियर, फिर आगे 1/2, 1/2 का रूट होगा 1 का तो 1 होगा और 2 का रूट होगा रूट 2, रूट लेना इसका रूट लेना, 3/4 का रूट क्या होगा √3 और 4 का होगा 2, रूट लेना बस, 1 का रूट बचो लास्ट में 1 बचा है ये लास्ट में 1 का रूट कितना है। क्लियर, अब इन सारी वैल्यूज को आप उल्टा भर दो, उल्टा फिलअप कर दो इनको, अब बच्चों इन सारी वैल्यू को मैं उल्टा भर रहा हूँ, ये 1, ये √3/2, ये 1/√4, ये 1/2 और ये 0, सारी वैल्यूज को। अब मुझे tan थीटा निकालना है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos, तो इसमें इसका डिवाइड करो, 0 में 1 का डिवाइड करोगे बच्चों 0, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड करना सिंपली, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा 1/√3 रह गया, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो दोनों एक जैसे 1 आ जाएगा, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा √3, और 1 में 0 का डिवाइड, बच्चों किसी में भी 0 का डिवाइड करते हो इन्फिनिट आता है, इन्फिनिट 0 का डिवाइड करने का मतलब करते ही रहो, 0 का तो डिवाइड कितनी बार ही करो, ये इन्फिनिट आ गया, अब इन सबको उल्टा फिलअप कर दो, इन्फिनिट √3 1/√3 और फाइनली ये 0। sec थीटा, sec मैंने आपको बताया cos का उल्टा होता है, cos का, तो cos को उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 होता है, इसको उल्टा कर दो 2/√3, इसको उल्टा कर दोगे √2, इसको उल्टा कर दोगे 2, और 0 को उल्टा करने का मतलब 0 को डिवाइड में ले जाना, 0 डिवाइड में जाता है इन्फिनिट बन जाता है, और इसी वैल्यूज को उल्टा कर दो, इन्फिनिट 2 √2 2/√3। अब बच्चों बहुत सिंपल सी टेबल है, आपको tan 45 की वैल्यू बताओ तो tan 45 के सामने 1 आ गया, tan 30 डिग्री की वैल्यू बताओ तो tan 30 डिग्री देख लो कितनी वैल्यू आ रही है 1/√3, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी वैल्यूज याद हो जाएगी, मैं नीचे वालों के लिए मैं 3 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी साइन कॉस टेन। क्लियर, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है बच्चों, इस टेबल को याद करना, ये धीरे धीरे वैसे लर्न हो जाएगी पर फिर भी आपको देखते रहना। अब 0 से 90 डिग्री तक तो आपके सामने टेबल है, टेबल से आप कर लोगे, पर अगर 90 डिग्री से कोई बड़ा हो जाए तो फिर क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे उसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, तो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा एंगल होता है तो फिर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। अब
बच्चों अपन 90 डिग्री से बड़े जो एंगल होते हैं उनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, जैसे जो साइन थीटा है कॉस थीटा है तो उनकी वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है। जैसे अगर आपको अभी जैसे मैंने कहा कि भाई साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप क्या कहते हैं बता दोगे रूट 3/2, पर अगर मैं ये कहता हूँ साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ तो फिर आपके लिए बताना ये डिफिकल्ट होगा। तो कैसे आप बड़े एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करोगे अगर आपको 0 से 90 डिग्री तक सारे एंगल्स की वैल्यू पता है? तो इसके लिए मैं कुछ रूल बता रहा हूँ। तो बच्चों देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींची हॉरिजॉन्टल लाइन और एक ऐसे लाइन वर्टिकल लाइन खींची। मैंने इस पूरे सर्कल को 4 quarters में डिवाइड कर दिया, 4 quarters है। ये फर्स्ट क्वार्टर है, ये सेकेंड क्वार्टर है, ये थर्ड क्वार्टर है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसको 4 quarters में डिवाइड कर दिया मैंने, 4 quarters में डिवाइड कर दिया। देखो बच्चों यहाँ से एंगल स्टार्ट करता है अपन, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो है इनिशियल में 0 degree एंगल है, 0 degree। जब आप जैसे ये लाइन है यहाँ पे एंगल 0 degree है, यहाँ से आप यहाँ तक जाओगे बच्चों ये वाली लाइन है ही, यहाँ पे एंगल 0 degree है। जब आप यहाँ से होते हुए इस जगह पे जाएंगे तो एंगल कितना होता है, इस जगह पे एंगल ये कितना होगा 90 degree होगा। तो जब आप यहाँ पे चले जाओगे तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 degree, क्लियर। ऐसे कैसे जब आप यहाँ से इस जगह पे पहुंचोगे तो एंगल कितना हो जाएगा, कितना एंगल ट्रैवल करते होगा, 180 degree एंगल ट्रैवल हो जाएगा पूरा। ये एक सिंगल स्ट्रेट लाइन 180 degree एंगल बनाती है। और फिर जब आप यहाँ पे आओगे ये एक क्वार्टर 90 degree का होता है, तो 180 में 90 और ऐड करोगे तो 270 degree। अब यहाँ से यहाँ तक चलोगे कितना हो जाएगा, 270 में और 90 ऐड करोगे तो 360 degree। तो जब आप पूरा ये कंप्लीट राउंड करोगे तो एंगल होगा 360 degree कंप्लीट, क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। इसको मैंने 4 quarters या क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे, इसको वर्टिकल लाइन कहेंगे। अब मैं आपको जो है रूल्स बता रहा हूँ कि क्या रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। अब बच्चों आपको देखो दो रूल्स को फॉलो करना है। रूल नंबर फर्स्ट, जो सबसे पहला रूल है, देखो आपको ये याद रखना है, इसको मैं कह देता हूँ साइन रूल, साइन रूल। देखो बच्चों मैं याद लिख लेता हूँ ASPC, इसको आप याद कैसे रखोगे, ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, या फिर यूं कह दो ऑल स्टूडेंट स्कूल टू कोचिंग, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। ASPC रूल को कैसे याद रखोगे, कैसे दिमाग में रखोगे आप? तो देखो बच्चों मैंने आपको है ना थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया हुआ है ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पर मैंने लिखा था साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा लिखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था टैन थीटा, यहाँ कॉट था बच्चों, यहाँ सेक थीटा था और यहाँ पे क्या था, कोसेक थीटा था, ऐसे मैंने लिखा था। अब मैं साइन रूल बता रहा हूँ आपको, साइन रूल क्या है। देखो ये फर्स्ट क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 0 degree से 90 degree तक। तो जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो 6 angles आ रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब के वैल्यू अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में होती है, तो सबको आपको पॉजिटिव लेना है। तो इसमें ऑल पॉजिटिव होंगे, ये मींस ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सब पॉजिटिव होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये जो सेकेंड क्वार्टर होता है आ रहा है, सेकेंड क्वार्टर में एस आ रहा है। एस का मतलब देखो ऊपर से देखना, एस का मतलब कौन है, साइन थीटा, और साइन थीटा के जस्ट नीचे कौन पड़ा है, कोसेक थीटा। इस क्वार्टर के अंदर ओनली फॉर साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर पॉजिटिव। ऐसे कैसे थर्ड क्वार्टर में कौन पॉजिटिव होंगे बच्चों? तो देखो क्या आ रहा है लिखा हुआ टी, ऊपर वालों को देखना है, टी का मतलब है टैन थीटा। इसमें टैन थीटा और टैन का जस्ट उल्टा कौन पड़ा है, कॉट थीटा, ये जो है पॉजिटिव होंगे। और बच्चों लास्ट फोर्थ क्वार्टर में सी लिखा हुआ है, ऊपर देखना है, सी में आ रहा है कॉस थीटा, इसका मतलब इस फोर्थ क्वार्टर के अंदर कॉस और इसका जस्ट उल्टा कौन होता है, सेक थीटा आर पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना, हालांकि आगे अगर क्वेश्चंस करेंगे तब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपके। ये देखो सबका मतलब यू समझ लो, एक कॉलोनी है, एक बिल्डिंग है, एक कॉलोनी है, उसमें ये फर्स्ट फ्लैट है या फ्लोर है, ये विला है, ये विला है, ये विला है, तीन घर है यहाँ पे। इस घर के अंदर कौन रहते हैं, साइन थीटा, और इसका जस्ट उल्टा कोसेक थीटा। तो हर सब अपने घर के अंदर पॉजिटिव है,
दूसरों के घर में वो नेगेटिव हो जाएगा जाते ही। तो ये साइन का घर है और साइन का जस्ट उल्टा कौन है, कोसेक। तो साइन और कोसेक का घर है ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी दूसरे नेगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पर कौन होंगे, टेन और कॉट, टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे सी का मतलब है कॉस और उसका उल्टा क्या है सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे। ये भी कॉमन ग्राउंड है, फ्लोर है, यहाँ पे हर कोई आ जा सकता है, इसलिए यहाँ पे सब पॉजिटिव है। तो फर्स्ट रूल है साइन रूल होता है। सेकेंड रूल बता रहा हूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, करना हो सकता आपको डिफिकल्ट लगे, पर धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर कर रहा हूं 90 माइनस थीटा के हिसाब से चेंज कर रहा हूं, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी मैंने ये ऐसे बनाया था सर्कल, यहां पे 0 डिग्री था, इधर 90 डिग्री था, इधर 180 था, ऐसे थे ना, और इधर 270 था और इधर 360 डिग्री था। ये फर्स्ट क्वार्टर था, और फर्स्ट क्वार्टर में सबसे पहले मैं ये आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे चाहिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू चाहिए, फिर मैं आगे निकालूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, फिर मैं आगे निकालूंगा कॉस के बाद होता है टेन 90 माइनस थीटा, फिर मैं निकालूंगा कॉट 90 माइनस थीटा, फिर मैं निकालूंगा सेक 90 माइनस थीटा, और फिर मैं निकालूंगा कोसेक 90 माइनस थीटा। सबकी वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, क्लियर। पहले साइन, पहले देखो 90 माइनस थीटा, 90 पर ये ले लेंगे, ये 90, ये रहा 90, माइनस माइनस का मतलब पीछे आ जाओ, कम करो 90 में से। जैसे आप 90 माइनस करोगे तो कौन से क्वार्टर में आ जाओगे, आप फर्स्ट वाले क्वार्टर में आ जाओगे, यानी फर्स्ट वाले क्वार्टर के हिसाब से मुझे सबको देखना है। तो भाई मैंने ये बताया फर्स्ट वाले क्वार्टर में सब पॉजिटिव होता है, पहले साइन देखना आपको पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फर्स्ट आपको साइन रूल यूज लेना है। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर तो कोई साइन हो या कोई भी हो, 90 माइनस थीटा वो कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर देख लिया, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो 90 आ रहा है, 90 ये आपको लाइन देखनी, अब सेकंड नंबर रूल काम आएगा। 90 कौन सी लाइन है, वर्टिकल, वर्टिकल लाइन जो है वो चेंज कर लेती है, तो ये साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा और थीटा आ जाएगा, बस ये हट जाएगा 90, सब साइन वाइन सब हट जाएंगे, खाली थीटा रह जाएगा, कॉस 90, ये जो साइन 90 माइनस थीटा वो कॉस थीटा बन गया। माइनस में तो हमें बताया कौन सा क्वार्टर है,
90 ने ये बताया कि वो चेंज होगा या नहीं होगा, तो इसलिए ओनली फॉर थीटा रह गया। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। अब इसको देखते हैं, 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वार्टर में पॉजिटिव होंगे, साइन देखना है चेंज 90 डिग्री चेंजिंग नहीं है, तो कॉस किस में चेंज होगा, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कॉस चेंज होता है साइन के अंदर, तो साइन थीटा हो जाएगा। 10 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वार्टर है इसलिए पॉजिटिव होगा, और 90 चेंजिंग नहीं है तो 10 किस में चेंज होगा, क्वार्टर में, ये भी फर्स्ट क्वार्टर में है 90 माइनस थीटा इसलिए पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर किस में चेंज होगा 10 में, ये क्या हो जाएगा सेट थीटा, सेट किस में चेंज होगा कोसेक में, और ये किस में चेंज होगा भाई कोसेक चेंज रहेगा सेट थीटा में, ये सब की वैल्यूज आ गई, मैंने 90 माइनस थीटा के हिसाब से वैल्यू निकाल लिया। अब मैं आ रहा हूँ सेकेंड क्वार्टर के अंदर, अब आप ये बॉटम नोट पहले फर्स्ट क्वार्टर, फिर इसके बाद इसके नीचे हेडिंग लगाना सेकेंड नंबर पार्ट, मैं 90 प्लस थीटा के हिसाब से चेंज कर रहा हूँ, 90 प्लस थीटा, देखो बच्चों 90 प्लस प्लस कहते हैं इसका, तो आप सेकेंड क्वार्टर में, और सेकेंड क्वार्टर किसका घर है, साइन का घर है, ये मैंने बताया था साइन और कोसेक का घर है। तो अब मैं 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ, 90 प्लस थीटा, तो अपन निकालते हैं 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहते हैं बच्चों, समझ जाओ ये सेकंड क्वार्टर में आ गया है, और सेकंड क्वार्टर के अंदर एक तो साइन पॉजिटिव होता है और एक कौन पॉजिटिव होता है कोसेक, सेकंड क्वार्टर साइन और कोसेक का घर है, ये 90 प्लस प्लस का मतलब इधर आ जाओ, माइनस कहते हैं इधर पीछे चले जाओ, प्लस करते हैं ये मैं सेकंड क्वार्टर में आ गया, और बाकी सब जो है वो नेगेटिव हो गया। अब 90 डिग्री के हिसाब से चेंज कर रहे हैं तो 90 डिग्री तो चेंजिंग लाइन है, तो साइन किस में चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा, कॉस किस में चेंज होगा साइन के अंदर, तो 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा आएगा, 10 जो होगा वो कॉट में चेंज हो जाएगा, बस ऐसे आगे से आगे आप बहुत खुद कंप्लीट करो, क्लियर। तो ये मैंने कर दिया 90 प्लस थीटा के हिसाब से। अब मैं अगला नंबर इसी सेकंड में 180 माइनस थीटा के हिसाब से निकाल, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर में चल रहा है, 180 माइनस थीटा, देखो बच्चों 180 ये रहा, माइनस करते पीछे सर जाओ पीछे, तो 180 माइनस थीटा ये कौन से क्वार्टर में, अभी भी हम सेकंड क्वार्टर के अंदर है, सेकंड क्वार्टर में मैं पहले निकालूंगा वैल्यू साइन 180 माइनस थीटा की, फिर निकालेंगे कॉस 180 माइनस थीटा की, फिर आगे कॉट टेन कॉट सब आएंगे, सब बाकी सब आपको निकालना है। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस करते हैं तो ये भाई पीछे आते हैं, पीछे ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन का खुद का घर होता है, साइन का घर होता है, साइन और किसका घर होगा कोसेक का, बाकी सब नेगेटिव होंगे, तो मैंने साइन को लगा दिया, फर्स्ट साइन रूल अप्लाई कर दिया। अब देखना ये चेंज होगा नहीं होगा, तो 180 डिग्री नो चेंजिंग लाइन है, मैंने पहले बता दिया था ये साइन जो है वो साइन ही रहेगा, और पीछे थीटा आ जाएगा साइन थीटा, ये कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर कॉस का घर नहीं है इसलिए नेगेटिव आएगा, और चेंज नहीं होगा भी तो ये कॉस कॉस ही रहेगा कॉस थीटा। आगे टेन 180 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, तो टेन जो है वो देखो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर टेन का घर नहीं है तो इसलिए माइनस आएगा, और ये चेंज भी नहीं होगा तो खाली टेन थीटा रह जाएगा, तो बस आप सबको लिख लेना खाली कॉसेक पॉजिटिव आएगा। तो ये मैंने सेकंड क्वार्टर के हिसाब से दे दिया। अब मैं थर्ड क्वार्टर में एंटर कर रहा हूँ, बच्चों सारी वैल्यूज मैं दो दो तीन तीन निकाल के छोड़ रहा हूँ, बाकी आपको खुद को सब निकाल के रखने हैं। अब मैं थर्ड क्वार्टर में आ रहा हूँ, थर्ड क्वार्टर यानी 180 प्लस थीटा के हिसाब से कर रहा हूँ, ये 180 प्लस करते हैं नीचे आ गए, नीचे कौन सा क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर बच्चों किसका घर है, मैंने ए एस टी टी लिखा था, टी का मतलब 10 का घर है, 10 और कॉट का, तो मैं साइन 180 प्लस थीटा की वैल्यू निकालूंगा, फिर कॉस 180 प्लस थीटा, फिर 10 180 प्लस थीटा, और ऐसे करके फिर आगे बाकी के तीन आप निकालूंगे। पहले साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मैंने बता दिया ये थर्ड क्वार्टर है, थर्ड क्वार्टर साइन का घर नहीं है इसमें नेगेटिव आएगा, और 180 वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज नहीं करती है बच्चों, खाली एक साइन देखना और एक चेंज होता है कि नहीं होता ये देखना है, तो साइन चेंज नहीं होगा 180 के हिसाब से, तो ये साइन थीटा बच गया खाली, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस सेकंड क्वार्टर है, कॉस का घर नहीं है इसलिए नेगेटिव आएगा, और नो चेंज कॉस थीटा, टेन टेन का घर है भी थर्ड क्वार्टर है, सॉरी वहां पर थर्ड क्वार्टर था इसलिए कॉस का घर नहीं था, यहाँ पे थर्ड क्वार्टर है तो टेन का घर है इसलिए प्लस आएगा, और चेंज नहीं होगा इसमें टेन थीटा रहता है, ऐसे आगे आप और कर सकते हो, क्लियर। अब देखो इस थर्ड क्वार्टर में ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाकी के तीन आप लिखोगे बच्चों, 270
माइनस थीटा, ये क्या है 270 माइनस थीटा। देखो ये 270 ये रही, ये रही, माइनस करने का मतलब पीछे आ जाओ, 270 माइनस थीटा का मतलब भी थर्ड क्वार्टर है, तो इसको कैसे लिखेंगे आप? जैसे साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू मुझे बताओ, तो 270 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर साइन का घर नहीं है इसलिए नेगेटिव, और 270 कौन सी लाइन है बच्चों? वर्टिकल लाइन है, इसलिए ये चेंज करेगी, तो साइन किस में चेंज कर देगी? कॉस में, थीटा देगा बस। कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? तो कॉस का घर नहीं है ये थर्ड क्वार्टर, इसलिए माइनस, और चेंज होगा कॉस किस में? साइन में, बस ऐसे हो जाएगा। बाकी के रिमेनिंग फोर आप करोगे ऐसे कैसे? फोर्थ नंबर, फोर्थ क्वार्टर कहाँ आ रहा है? चलो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा करते आप फोर्थ क्वार्टर में पहुंच रहे हो, और फोर्थ क्वार्टर किसका घर है? कॉस का, कॉस का घर है। अगर मैं कहूँ साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू मुझे बताओ, तो ये तो साइन का घर नहीं है इसलिए नेगेटिव आएगा, और 270 चेंजिंग लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसलिए साइन इसमें चेंज होगा कॉस में, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस का घर है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर, और कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में, साइन में। ऐसे आप रिमेनिंग फोर करें। इसको मैं 360 माइनस के हिसाब से करता हूँ, फोर्थ क्वार्टर को मैं ऐसे करता हूँ 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वार्टर में पीछे आ गया, तो यहाँ से नंबर लेते हैं साइन 360 माइनस थीटा की वैल्यू मुझे बताओ भी क्या होगी? 360 माइनस थीटा, तो साइन का तो घर नहीं है भाई, फोर्थ क्वार्टर है 360 माइनस थीटा, आपको क्वार्टर का आइडिया लगाना बस, ये कौन सा क्वार्टर है? साइन का घर नहीं है इसमें नेगेटिव आएगा, और नो चेंज, 360 वाली लाइन चेंज नहीं करती इसलिए माइनस का साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 360 माइनस थीटा, तो कॉस का घर तो है भी इसलिए प्लस आएगा, और नो चेंज कॉस थीटा, ऐसे हम बाकी भी लिखते रहेंगे। क्लियर? फोर्थ क्वार्टर में एक और भी चीज है, एक और तरीका भी है। आप बच्चों देखो, मैं तो दो दो लिख रहा हूँ, रिमेनिंग फोर आप लिखना, अभी भी फोर्थ क्वार्टर चल रहा है। देखो फोर्थ क्वार्टर में यहाँ पे जीरो डिग्री भी तो आ रहा है, तो जीरो माइनस थीटा कौन होगा? तब क्या होगा? तब नीचे आना पड़ेगा, तो जीरो माइनस थीटा, मैं जीरो माइनस थीटा के हिसाब से मैं चेंज करता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा साइन जीरो माइनस थीटा, क्या होगा मुझे बताओ? तो जीरो माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर साइन का घर नहीं है इसलिए नेगेटिव आएगा, और चेंजिंग लाइन भी नहीं है, जीरो डिग्री नो चेंजिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसलिए साइन थीटा ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, माइनस का साइन थीटा होगा। अब लोग है ना जीरो को नहीं लिखते बच्चों, खाली ये ऐसे लिखते हैं साइन माइनस थीटा, खाली इसको ऐसे लिखा साइन जीरो माइनस थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा, तो साइन माइनस थीटा का मतलब की वैल्यू आ गई माइनस का साइन थीटा, यानी माइनस बाहर आ गया। जैसे मैं को कॉस जीरो माइनस थीटा बताओ क्या होगा? कॉस जीरो माइनस थीटा को माइनस का कॉस थीटा लिख सकते, कॉस माइनस थीटा लिख सकते। अब जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर साइन कॉस का घर है इसलिए पॉजिटिव होगा, और नो चेंज इसलिए कॉस कॉस ही रहेगा। ये आखिर में ऐसे कैसे टेन जीरो माइनस थीटा, इसको आप टेन माइनस थीटा भी लिख सकते हो, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि टेन का घर नहीं है फोर्थ क्वार्टर, माइनस का टेन थीटा। तो ऐसे आप रिमेनिंग बाकी तीन लिखना, सेक इसमें वापस पॉजिटिव आएगा क्योंकि सेक का ही घर होता है फोर्थ क्वार्टर, कॉस और सेक दो जनों का घर होता है। क्लियर बच्चों? ये सब मैंने आपको बता दिया अच्छे तरीके से, आपको धीरे धीरे इनकी प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जरूरत कहाँ पड़ेगी इसकी? जैसे बच्चों मैंने तो आपको कह दिया भाई इसको साइन साइन 300 की वैल्यू फाइंड आउट करो, और एक मैंने कह दिया कॉस 120 की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये दो वैल्यूज मुझे बताओ कितनी होगी। तो 300 हमारे पास तो टेबल 0 से 90 डिग्री तक की, और मैं आपको सीधा कह रहा हूँ 300 डिग्री एंगल की वैल्यू बताओ। तो आपको क्या करना है कि इसको है ना भाई 300 को मुझे 60 डिग्री 0 से 90 के बीच में लाना है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या साइन 360 माइनस 60 डिग्री? भाई मुझे पता 300 इस 360 के नज़दीक है, इनमें से कोई होना चाहिए 360 डिग्री के नज़दीक है, तो मैंने 300 को लिख लिया 360 माइनस 60, 360 में से 60 माइनस करो वापस 300 आ जाएगा। अब 360 माइनस थीटा कौन सा क्वार्टर है? 360 माइनस थीटा तो फोर्थ क्वार्टर है, तो फोर्थ क्वार्टर को साइन का घर नहीं होता इसलिए नेगेटिव आएगा, और 360 नो चेंजिंग लाइन है इसलिए साइन साइन ही रहेगा, और बाकी सब हट जाएंगे 360 माइनस सब हट जाएंगे, खाली क्या रह जाएगा 60 रह जाएगा। और भाई टेबल में मुझे पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2, ये लो आंसर आ गया। चलो कॉस 120 की वैल्यू निकालते हैं, कॉस 120, तो कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, तो 120 डिग्री जो है कहाँ आएगा? देखो 90 और 180 के बीच में होता है 120 डिग्री, तो इस यही पे होता है 90 और 180 के बीच में होता है बच्चों 120 डिग्री।
तो 120 डिग्री की वैल्यू निकाले या तो आपने को 90 प्लस 30, क्योंकि 90 प्लस 30 क्या होता है 120 होता है, और या फिर मेरे को 180 माइनस 60, दोनों तरीके आपके पास। मैं तो 180 माइनस 60 लिख लेता हूँ, क्योंकि 180 वाली ये जो लाइन है नो चेंजिंग है, थोड़ा ईजी रहता है, बाकी इसके हिसाब से करोगे तो भी वही आंसर आना है। तो साइन 180 माइनस 60 लिख लिया, और साइन 180 माइनस 60 120 होता है। अब सीधी सी बात है, सेकेंड क्वार्टर है 180 माइनस 60, सॉरी बच्चों साइन नहीं था, कॉस था ये, कॉस 180 माइनस 60, कॉस 180 माइनस 60 तो सेकेंड क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर कॉस का घर नहीं है इसलिए नेगेटिव आएगा, और चेंज भी नहीं होगा तो कॉस 60 रह जाएगा, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो माइनस का हाफ आ गया कॉस 120 की वैल्यू। ऐसे आप साइन 50 की वैल्यू, 150 की वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे आप कोई भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिखता है, कॉस 120 को लिखता है 90 प्लस 30, तो भी उसके आंसर वही आना है 90 प्लस 30, वो कौन सा सेकेंड क्वार्टर है, कॉस का घर नहीं है इसलिए माइनस होगा। अब 90 के हिसाब से कर रहे हो तो ये चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, साइन में, साइन 30, और बच्चों साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी हाफ ही होती है तो माइनस हाफ आएगा, तो आंसर भले किसी भी तरीके से करो सेम आएगा। क्लियर? तो आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी है, अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर बात करेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।